नमस्कार, मैं आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार, पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट, नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में चंद्र कुंडली से मंगल का गोचर 12 भावों में क्या क्या फल देगा बताया था। आज आपको बुध चंद्र कुंडली से गोचर करते समय 12 भावों में क्या क्या फल देगा बताता हूं। बुध चंद्र कुंडली से गोचर करते समय दूसरे, चौथे, छठे, आठवें, दसवें और ग्यारहवें भाव में शुभ फल देता है। बुध नैसर्गिक शुभ ग्रह है। बुध शिक्षा का, बुद्धिमता का, वाणी का, व्यापार का, ज्योतिष का, गणित का और हास्य विनोद का कारक है। बुध ऐसे कार्यों का भी कारक ग्रह है जैसे वैज्ञानिक खोज और शोध का कार्य, ये भी बुध के अधीन है। सबसे पहले आपको बुध का चंद्र कुंडली के फर्स्ट हाउस में गोचर करते समय क्या फल मिलता है बताता हूं। फर्स्ट हाउस में बुध हो तो जातक का मन, मस्तिष्क अधिक चंचल रहता है, धन हानि भी होती है, परिवार के सदस्यों से विरोध रहता है और जातक की संगत खराब रहती है, दूसरों की बुराई करता है। चंद्र कुंडली के सेकंड हाउस में बुध का गोचर अचानक धन लाभ देगा, अच्छे लोगों की संगति प्राप्त होती है, परिवार के सदस्यों से बहुत अच्छे संबंध रहते हैं और वाणी में बहुत मधुरता आती है। चंद्र कुंडली के थर्ड हाउस में बुध का गोचर धन की हानि करता है, शत्रुओं से भय रहता है, परिवार के सदस्यों से झगड़ा हो जाता है और ऐसा जातक नॉर्मली लोगों में चर्चा का विषय बन जाता है। चंद्र कुंडली से फोर्थ हाउस में बुध का गोचर हो तो जातक को मकान, संपत्ति का लाभ होता है, माता से, परिवार के सदस्यों से सुख प्राप्त होता है, धन लाभ भी होता है, मान सम्मान बढ़ जाता है और लोगों से मेल मिलाप भी बढ़ता है। चंद्र कुंडली से फिफ्थ हाउस में बुध का गोचर हो तो संतान से, स्त्री से कलह रहता है, अचानक झगड़ा हो जाता है, मानसिक कष्ट होता है, डिसीजन पावर भी कम हो जाती है। चंद्र कुंडली से सिक्स्थ हाउस में बुध का गोचर शुभ फल देता है, जातक का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है, मान सम्मान की प्राप्ति होती है और जातक को उत्तम वस्त्र प्राप्त होते हैं, अच्छा भोजन प्राप्त होता है, अच्छी पुस्तकें पढ़ने का सुख मिलता है, धन लाभ भी होता है। चंद्र कुंडली से सेवंथ हाउस में बुध का गोचर शारीरिक कष्ट देता है, स्त्री से वाद विवाद बढ़ जाता है, मित्रों से अनबन होती है, सरकार से दंड भय भी रहता है, जातक यात्राएं बहुत करता है और धन हानि भी होती है। चंद्र कुंडली से आठवें भाव में बुध का गोचर शत्रुओं पर विजय दिलाता है, संतान से सुख प्राप्त होता है, समाज में मान सम्मान भी बढ़ता है, धन लाभ भी होता है और अचानक कोई लंबी धार्मिक यात्रा का अवसर भी मिलता है। चंद्र कुंडली से नाइन्थ हाउस में गुरु का, बुध का गोचर हेल्थ खराब करता है, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, मानसिक पीड़ा रहती है, हर कार्य में बाधा आती है और जातक के कार्यों से दूसरों को परेशानी होती है। चंद्र कुंडली से टेंथ हाउस में बुध का गोचर
अनेक प्रकार के सुख और लाभ देता है। मानसिक परेशानियां खत्म हो जाती है, व्यापार में वृद्धि होती है, नौकरी में कोई नया पद या उच्च पद प्राप्त होता है, व्यापार में भी सफलता मिलती है, व्यापार में वृद्धि होती है, वाणी में भी चतुराई आ जाती है, अन्य लोगों पर अच्छा प्रभाव भी पड़ता है। चंद्र कुंडली से 11th हाउस में बुध का गोचर धन लाभ देता है, व्यापार में उन्नति होती है, हेल्थ अच्छी रहती है, जातक को पूरा सुख मिलता है, मान सम्मान में वृद्धि होती है और संतान से मित्रों से भी सहयोग पूरा प्राप्त होता है। चंद्र कुंडली से 12th हाउस में बुध का गोचर धन हानि करेगा, व्यापार में हानि करेगा, मानसिक पीड़ा रहेगी, नींद कम आएगी और भोजन खाने में भी इंटरेस्ट कम हो जाएगा, मित्रों से अनबन रहेगी और झगड़े होने की भी संभावना रहती है। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल नवयुग ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।